पल्स पीएसीएल निवेशक मंच द्वारा रविवार को विश्वविद्यालय के पंडित गोविंद बल्लभ पंत पार्क में महेंद्र विश्वकर्मा की अध्यक्षता में निवेशकों के भुगतान के संबंध में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। निवेशकों ने कहा कि पीएसीएल को 2014 में बंद कर दिया गया, जिसमें लगभग 6 करोड़ निवेशकों का 50,000 करोड़ रुपये के आसपास जमा है, जो 42 महीनों से लापरवाही की वजह से भुगतान में फंसा हुआ है और भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए निवेशक मंच के अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा ने कहा, महेंद्र विश्वकर्मा गोरखपुर से। हमें महेंद्र जी, क्या है आप लोग का मांग? जी सर, मेरा मांग है कि हम लोग पीएसीएल कंपनी, जो भारत सरकार के नियमानुसार भारत सरकार के दिए गए लाइसेंस के माध्यम से सन 1983 से भिन्न नामों से पल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज बना करके 1983 से 32 साल रन की कंपनी, आज पीएसीएल के निवेशक एजेंट सारे रोड पे मारे जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं, सैकड़ों निवेशक और एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं और पीएसीएल का भुगतान अभी नहीं हो रहा है। भाई, 1 रुपये का भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग का आए दिन जो है कि रोड पे चलना निकलना घर से सारा चीज दुश्वार हो गया, निवेशक अपना पैसा मांग रहा है। प्रदेश का मतलब प्रदेश का मतलब? जी सर, इसमें 5 करोड़ 85 लाख लगभग 6 करोड़ निवेशक है और 60 लाख से 70 लाख तक हमारे एजेंट है और लगभग लाखों की ही संख्या में हमारे जो ऑफिस कर्मचारी थे, कुल मिला जुला कर देखा जाए तो 7 करोड़ की संख्या है। 7 करोड़ के लोग की संख्या इसमें प्रभावित है। हमारी पूंजी हमारी 49,49,100 करोड़ की हमारी पूंजी है।